Yo, what's up, भाई लोग? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to my channel, so guys. आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5. तो पहले तो यार जितने भी बंदे वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को पहले तो एक लाइक करो. नीचे जो अंगूठे का बटन दिख रहे ना, उसे जल्दी से दबाओ. चलो चलो चलो, जितने भी लोग वीडियो देख रहे ना, वीडियो को पहले तो एक लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो. और अगर आप लोगों ने अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, सो जल्दी से जाकर फॉलो करो, डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करो. सो बाकी फिलहाल चलो भाई, मिलते हैं गेम के अंदर. Guys, अभी हम लोग आ चुके हैं वाइनवुड हिल्स के ऊपर. यहाँ से भाई सुबह का नजारा ना लॉस सैंटोस का क्या ही तगड़ा दिख रहा है भाई. वो देखो, एक प्लेन आ रहा है. ये सुबह सुबह के प्लेन आके ज्यादा गए ना, पता नहीं यार इनके ड्राइवर को नींद नहीं आती है क्या भाई. अपने को तो सुबह सुबह बहुत ही नींद आती है. बट बाकी फिलहाल चलो भाई, इन बातों को रखते हैं साइड में. तो जैसा की लास्ट वाले एपिसोड में आप सबको पता होगा की हम लोग गए थे रिसर्च ह्यूमन लैब में टेलीपोर्टेशन की मशीन चुराने के लिए. भाई वो टेलीपोर्टेशन की मशीन इतनी तगड़ी थी ना कि हम लोग कहीं पे भी टेलीपोर्ट हो सकते थे भाई. बट उस टेलीपोर्टेशन की मशीन में ना एक दिक्कत थी कि यार वो मशीन ना हमें कहीं पे भी टेलीपोर्ट करवा सकती थी. बट भाई अभी लास्ट ने उसमें बहुत सारा चेंजेस करवा दिया कि यार उसमें ना छोटे मोटे टायर जो अटैच करवा दिए और साथ ही में उसमें थोड़ा चेंजेस किए जिसकी मदद से हम लोग अपनी मनपसंद जगह पे टेलीपोर्ट हो सकते हैं. और उस टेस्ट को कंप्लीट करने के बाद हम लोग गए थे रेसिंग टूर्नामेंट में, जिसमें भाई साहब बहुत ही बड़ा स्कैम हो चुका था यार. लिटरली जिमी जो है उस रेस को ज्वाइन करना चाहता था, बट भाई उसकी एज जो है बिल्कुल ही कम थी. तो भाई 16 साल की उम्र में ना वो रेस नहीं कर पाता था क्योंकि भाई 18 से ऊपर का एज चाहिए. तो बाद में जो है हम लोगों ने भाई अपने 5,000 रुपए जो कि हम लोगों ने रेसिंग टूर्नामेंट की फीस में लगाए देना, तो भाई वो वेस्ट ना होना इसी वजह से हम लोग ने भाई अप्लाई कर दिया था अपना कंफर्मेशन देके. वरना भाई अपने 5,000 रुपए वो वैसे ही वेस्ट होने वाले थे. तो फिलहाल वो हम लोगों ने रेसिंग टूर्नामेंट ज्वाइन करके ना लास्ट मोमेंट में भाई एक बंदा लिटरली अपने पीछे था अपना ओपोनेंट, तो उसको बेट करके हम लोगों ने भाई वो रेस एंड टाइम पे जीत ली थी. और वो 1,00,000 रुपए जो कि टूर्नामेंट का रिवॉर्ड था वो अपने हाथ में आ चुका था. और जिमी तो लिटरली यार उछल उछल के नाच रहा था. सो बाकी फिलहाल अभी वो सारे पैसे तो हम लोग कहीं पे भी इन्वेस्ट करेंगे. बट अभी हम लोग जा रहे हैं अपने शोरूम के लिए क्योंकि यार मिस बेकर ने ना एक कंसाइनमेंट रेडी करके रखा है जिसको हमें जाना है डिलीवर करने के लिए. और भाई साहब अगर वो हम लोग डिलीवर करेंगे ना तो भाई यार बहुत ही तगड़े पैसे मिलेंगे, बहुत ही तगड़ा कमीशन मिलेगा. और उसमें जो 40% का कट है ना वो तो भाई यार बहुत ही तगड़ा वाला मिलेगा. सो बाकी देखते हैं कि यार वो कंसाइनमेंट में आखिर कौन कौन सी गाड़ियां. सो लेट्स गो भाई लोग, अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं अपने शोरूम के बाहर. और भाई अभी पता नहीं है वो जो कस्टमर है उसने कौन कौन सी गाड़ियां ऑर्डर करी है. बट एक सेकंड भाई, ये कौन गधा होता है पता नहीं यार. ये देखो यार इतना बड़ा शोरूम इनको दिखता नहीं है क्या भाई. यहाँ पे खड़ी कर दी अपनी गाड़िया इनकी ऐसी की तैसी. एक काम करते इनको ना एक बार मजा चखाना ही पड़ेगा. इनकी गाड़ी को ना ऐसी जगह में पार्क करूंगा कि आज के बाद कभी भी इस तरह से भाई किसी के शोरूम के बाहर जो है इस तरह से गाड़ी खड़ी नहीं कर पाएगा. तो एक सेकेंड इसको जो है भाई हम लोग ना यहाँ पे हाईवे यहाँ पे पार्क कर देते. और बाकियों की हालत इतनी तकलीफ करता हूँ ना, एक सेकेंड इनकी तो टायर ही पंचर कर देता हूँ. अगली बार जो है ये गाड़ी को कभी यहाँ पे पार्क नहीं करेंगे. अगर करेंगे भी ना तो पहले 10 बार पूछेंगे, उसके बाद जो है भाई यहाँ पे पार्किंग करेंगे. सो पहले ये चौथा टायर भी जाने दे दे. गया भाई गया. अभी जो है ये कभी भी इस तरह से पार्किंग नहीं करेंगे. सो फिलहाल चलो भाई जाते हैं अपने शोरूम के अंदर. ऑलराइट, तो चलो भाई. अभी जो मिस पैगर कहीं पे दिखाई नहीं दे रही है. और बाकी यार यहाँ पे ना कहीं सारी अपनी तगड़ी तगड़ी गाड़ियाँ जो की अपनी शोरूम की ना मस्त डेकोरेट कर रही है. सो बाकी फिलहाल ऑलराइट यहीं पे मिस बेकर, तो चलो भाई इनसे बात कर लेते. ऑलराइट गाइस, तो जैसा कि यार अभी आप लोग देख रहे हो कि भाई यार ये जो पोर्शे की गाड़ी है ना जो हमने लास्ट टाइम मंगवाई थी अपने शोरूम के लिए, वो कस्टमर ने ऑर्डर करी. और भाई हम लोग ना कह रहे थे कि भाई इस गाड़ी में कुछ तो बात है यार, ये गाड़ी आते ही बिक जाएगी. और बाकी फिलहाल ये जो है ना भाई नई सुपरा जो कि बहुत ही तगड़ी है भाई. इसका इंजन भी इतना तगड़ा है ना कि यार ये 200 की स्पीड तो भाई 10 सेकंड के अंदर पकड़ लेती है. अभी ये भी बिक चुकी है यार, कस्टमर ने ऑर्डर करी. और साथ ही में ये फोर्ड की मस्टैंग GT भाई ये भी बिक चुकी है भाई. इसकी जो कलर कॉम्बिनेशन है ना ये मुझे बहुत ही पसंद आता था लास्ट टाइम ही हमने ऑर्डर करी थी. और जितनी भी गाड़ियां लास्ट टाइम ऑर्डर करी थी ना ये सारी की सारी बिक चुकी है. सारी की सारी के तो नहीं, बट 3 गाड़ियां जो है
अभी बिक चुकी है और बाकी फिलहाल आगे भी शायद बिक सकती है, जो कि अपनी गाड़ियां जो है शोरूम में पड़ी हुई है। सो बाकी फिलहाल अभी तीनों की तीनों गाड़ियां जो इनको हमें इस टेलर में लोड करना है। और भाई वो कस्टमर और कोई नहीं, लॉस सैंटोस का बिग माफिया है, जो कि भाई बहुत ही पैसे वाला बंदा है। सो बाकी फिलहाल अभी पता नहीं और उसके पास और कौन कौन सी गाड़ियां होगी। सो बाकी फिलहाल चलो अभी सारी गाड़ियों को लोड करते हैं। तो चलो भाई लोग, यार अभी वैसे भी बहुत ही लेट हो चुके हैं यार ये कंसाइनमेंट को डिलीवर करने में। सो बाकी फिलहाल अभी वो जो पैसे का मिस पैकर देख लेगी, अभी हम लोग फटाफट से यार चलो भाई निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि यार अगर वहाँ पे अगर हम लोग थोड़ी सी भी और देरी करेंगे ना तो भाई वो कंसाइनमेंट जो है कैंसिल भी हो सकता है। तो हमें जो है भाई यहाँ से पहले तो फटाफट से निकलना पड़ेगा और वहाँ पे जल्दी से जल्दी पहुँचना पड़ेगा। और भाई यार वो कोई और नहीं बल्कि बिग माफिया है, लॉस सैंटोस का अंडरवर्ल्ड का बंदा है भाई। तो भाई हमें जो है उसके साथ थोड़ी सोच समझ के बातें करनी पड़ेगी, क्योंकि यार वो अंडरवर्ल्ड का बंदा है, अगर हमारे मुंह से कोई गलत बात निकल गई ना तो भाई हमारी एसी की तेजी हो जाएगी। सो बाकी फिलहाल चलो अभी फटाफट से पहुंचते। ऑलराइट भाई लोग, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं उस मेंशन के पास जहाँ पे ये गाड़ियाँ डिलीवर करनी है। तो ये रहा वो मेंशन भाई साहब, ये देखो यार, अबे भाई ये देखो यार कितना बड़ा मेंशन है भाई, जहाँ पे ये गाड़ियाँ डिलीवर करने अभी हम लोग आ चुके। और भाई ये बिग माफिया लॉस सैंटोस का गैंगस्टर, बट वेट ए सेकेंड, अबे यार भाई ये दिख नहीं रहा है क्या, इतना बड़ा ट्रक यहाँ पे आ रहा है। तो फिर भी बंदे गुस्से पड़े भाई पूरे, भाई एक सेकेंड हमें जो है ये वाला जो रास्ता ना यहाँ से इस ट्रक को अंदर ले जाना है। बट भाई एक सेकेंड भाई, हमें जो है पहले इस ट्रक को ना आराम से पीछे पहले तो ले जाना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग भाई इस ट्रक को फुल स्पीड में अंदर जाने देंगे। क्योंकि हम लोग ऐसे ही ट्रक को भाई आगे ले जाएंगे ना तो ये वाला ट्रक जो थोड़ा बहुत डैमेज हो जाएगा, और मेरे ख्याल से भाई गाड़ियाँ भी थोड़ी बहुत डैमेज हो सकती है। और मैं नहीं चाहता कि यार गाड़ियों को ना कोई भी डैमेज आए, वरना जो है भाई इसके पैसे कट जाएंगे यार। ये बिग माफिया जो है भाई बहुत ही बड़ा गैंगस्टर है, सो पैसे काटने में बिल्कुल भी देर नहीं करेगा। सो मेरे ख्याल से अभी जो ऑलराइट एक सेकेंड आराम से बिल्कुल ही ले ले आराम से। भाई तेरी बैंस की आँख की रुक, तेरी ऐसी की तेजी बाहर निकल साले, तेरे को दिख नहीं रहा है क्या इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ और तेरी खटारा सी गाड़ी लेके तू यहाँ पे घुसा आ रहा है, निकल इधर से, इसकी ऐसे निकल इधर से। भाई पता नहीं यार गधे कहीं के कहाँ से आ जाते यार, दिख नहीं रहा है क्या इतना बड़ा ट्रक हम लोग अंदर जा रहे, पीछे से ठोक रहा है। पर छोड़ो भाई, हमें जो है इस ट्रक को यहाँ से पहले तो जल्दी से अंदर ले जाना पड़ेगा, वरना भाई यहाँ पे और ट्रैफिक हो जाएगा ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जो चलो भाई फटाफट से यहाँ से। ओके तो अभी हम लोग अंदर तो आ चुके हैं, बट फिलहाल वेट ए सेकेंड भाई, ये देखो यार यहाँ पे कितनी सारी तगड़ी तगड़ी गाड़ियाँ पड़ी हुई। वेट ए सेकेंड भाई साहब, एक सेकेंड भाई, यहाँ पे फरारी है, भैंस क्या भाई, क्या है तगड़ी तगड़ी गाड़ी है। और भाई इसके पास सिक्योरिटी भी इतनी तगड़ी है ना, भाई हमें भी लगता है कि हमें भी इतनी तगड़ी सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। यार ये देखो इस बंदे के पास कितनी तगड़ी तगड़ी सिक्योरिटी है, और साथ में यार इस बंदे ने इतनी तगड़ी तगड़ी गाड़ियां रखी है। बस मुझे लगता है कि यार ये बंदा ना गाड़ियां ऐसे मूंगफली की तरफ बदलता है, यार एक छोड़ो दूसरी है, दूसरी छोड़ो तीसरी है भाई। बट मुझे नहीं लगता कि भाई ये मेंशन का ये एंट्रेंस है, ये पीछे वाला एंट्रेंस है भाई, मुझे ऐसा लगता है। और बाकी यार इस ट्रक को ना यहीं पे छोड़ के जाते हैं, क्योंकि भाई मेरे ख्याल से ये ट्रक आगे नहीं आएगा। और बाकी यार इस बंदे को पूछना भी पड़ेगा कि आखिरकार इस गाड़ियों को रखे कहाँ पे। ओ भाई 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 भाई, यहाँ पे तो भाई पूरी जन्नत बिछा के रखे इस बंदे ने। वेट अ सेकंड भाई साहब, यहाँ पे यार गाड़ियों की भाई कलेक्शन देखो एक बारी। वेट अ सेकंड भाई, ये बंदा कितनी भी गाड़ी, अपना पूरा शोरूम की गाड़ी खरीद लेना तो भी भाई इसके पास मेरे ख्याल से बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। बट फिलहाल वेट अ सेकंड, ये यहाँ पे पार्टी क्यों हो रही है भाई? वेट अ सेकंड, हेलो भाई, आज किसका बर्थडे है क्या, किसी सेलिब्रिटी का? या तो भाई ना ही तो आज हैप्पी न्यू ईयर है, ना ही तो भाई किसी सेलिब्रिटी का बर्थडे है भाई मेरे ख्याल से। तो भाई ये यहाँ पे पार्टी क्यों हो रही है? हेलो वेट अ सेकंड भाई, मुझे लगता है यार ये बंदा फुल ऑन पैसे उड़ा रहा है, क्योंकि भाई इसके पास पैसे की कमी नहीं मेरे ख्याल से। बट वेट अ सेकेंड, यहाँ पे तो भाई साहब एक डीजे आया हुआ है जिसकी फीस करोड़ों की कीमत में। भाई साहब मुझे तो लगता है कि भाई ये बंदा ना फुल ऑन पागल है यार, बिग माफिया भाई लिटरली। ये देखो यार डीजे जो है बस के अंदर फिट करके हुए रखा है। बट फिलहाल अभी यार इन बातों को छोड़ो, क्योंकि यार ये अमीरों की बात है,
अपने पल्ले नहीं फड़ने वाली। सो फिलहाल यहाँ पे जो है एक गार्ड खड़ा, जो कि मुझे लगता है कि यार बिग माफिया की गार्ड है। सो फिलहाल इससे बात करते हैं और पूछते हैं कि आखिरकार वो तीनों गाड़ी आखिर रखनी कहाँ पे। सो चलो भाई इससे बात करते हैं। ऑलराइट भाई लोग, अभी हमने इस गार्ड से बात करी है और ये कह रहा है कि अभी यहाँ से आगे तुम नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे जो है बिग माफिया उनके दोस्तों के साथ कुछ मीटिंग वगैरह कर रहा है। सो वो देखो भाई, उनमें से अभी पता नहीं यार बिग माफिया कौन है, चेयर्स पे बैठे हो या वे वो खड़ा है वो मुझे नहीं पता, बट अभी हमें फिलहाल यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे ज़्यादा देर रुके तो ये बंदा जो है हमें भाई अरेस्ट कर लेगा। वैसे ये कोई पुलिस वाला तो नहीं, बट भाई ये गार्ड है ना बिग माफिया का, तो ये हिचकिचेगा नहीं हमें मारने के। बट हमने उससे बात भी कर ली कि वो तीनों गाड़ियाँ कहाँ पे रखे, तो वो कह रहे कहीं पे भी रख दो वो गाड़ियाँ ना, आराम से हम लोग बाद में कहीं पे भी रखवा देंगे। सो फिलहाल अभी जो वो गाड़ियाँ तो हमने भाई वहाँ पे बाहर रख दिए। सो फिलहाल अभी वेट अ सेकेंड भाई, मुझे पहले तो भाई बिग माफिया का जो चेहरा है ना वो देखना है। तो हम लोग एक काम करते यार, अपने पास एक छोटा सा ड्रोन है जिसकी मदद से हम लोग भाई माफिया का चेहरा देख सकते हैं। सो फिलहाल चलो भाई उस ड्रोन की हेल्प से ना हम लोग अभी देखते हैं। ऑलराइट, अभी हम लोग ने ड्रोन निकाल लिया और भाई साहब एक सेकेंड पहले हमें जो है ऊपर जाना पड़ेगा, वरना जो है ये सिक्योरिटी गार्ड जो है ना ये लोग देख लेंगे ड्रोन को, तो भाई हमारी ऐसी की तैसी कर देंगे। वरना भाई साहब ये देखो भाई यार, यहाँ से लुक तो बहुत ही तगड़ा आ रहा है, बट मेरे ख्याल से हमें थोड़ा और ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि भाई सिक्योरिटी की नज़र में ना हम बिल्कुल भी नहीं आना चाहते। और वैसे भी हमारे ड्रोन में ना इतना जूम है कि यार हम लोग किसी का चेहरा यहाँ से देख सकते हैं। सो फिलहाल चलो भाई, और ये देखो भाई क्या तगड़ी पार्टी वगैरह हो रही है यहाँ पे। बट भाई इतने सारे पैसे अगर बंदे लाते कहाँ से ना, मुझे पता नहीं यार। बट फिलहाल वेट सेकेंड, अबे 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 यार कहीं पे चार में घुस गए ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, अपना ड्रोन यहीं का यहीं फंसा रह जाएगा। वेट सेकेंड, यहाँ पे कुछ बंदे है। ऑलराइट, ये बंदा तो नहीं भाई, ये तो कोई बिजनेसमैन वगैरह टाइप लग रहा है, बट ओल्ड मैन है। सो फिलहाल ये बंदा, ये मेरे ख्याल से पुलिस वाला है। बट वेट सेकेंड भाई, इनमें से कुछ बंदे जो है ना, वेट सेकेंड भाई ये कोई और नहीं बल्कि एफबीआई वाला है। बट फिलहाल अभी हम लोग देखने हैं बिग माफिया को, तो ये वाला बंदा भी कोई बिजनेसमैन ही लग रहा है। तो भाई मेरे ख्याल से ये जो चेयर के पास बंदा खड़ा है ना, मेरे ख्याल से अभी यही बंदा है बिग माफिया। वेट सेकेंड, इसका मुंह जो है थोड़ा आगे से देखते हैं। ऑलराइट, ये देखो भाई, ये रहा बिग माफिया। भाई साहब इसके साथ हम लोग ट्राई करेंगे, मीटिंग करेंगे, बट फिलहाल अभी हम लोग भाई इसके साथ मीटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम लोग अभी इसके पास गए ना तो भाई इसके गार्ड जो बिल्कुल ही अपनी ऐसी की तैसी कर देंगे। सो फिलहाल भाई इसके पास यार कितनी तगड़ी तगड़ी गाड़ी है। बट वेट अ सेकेंड, एक मिनट, ये गाड़ी कौन सी है? हेलो भाई 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 एक सेकेंड भाई, ये गाड़ी कुछ अलग टाइप की दिख रही है भाई। एक सेकेंड, इसका टायर देखो भाई। एक ही सेकेंड भाई साहब, इसका टायर बिल्कुल ही नियो टाइप फिट करी हुई इस कार के टायर में। भाई साहब इस कार में ना फुल ऑन भाई लाइटिंग भरी पड़ी है भाई। ये कार अपने पास होती ना तो हम लोग लिटरली यार इस कार को ना अपनी पर्सनल कार बना कर रखते। हम लोग भाई ऐसी कार बनाने का सोचेंगे भी ना, अपना पूरा घर चला जाएगा इसमें। बट भाई ये देखो यार, इस गाड़ी की तारीफ इतनी तगड़ी हो रही है। बट वेट ए सेकेंड, वो बंदा हमें कुछ बुला रहा है मेरे ख्याल से। बट ये बंदे को हमने पहले कभी देखा नहीं, बट बात करते हैं इससे। ऑलराइट भाई लोग, अभी जो इस बंदे से अपनी बात हो चुकी है और ये बंदा ना एक बहुत ही बड़ी प्लानिंग के अंदर है, जो कि हम लोग भी सोच रहे थे। हम लोग क्या सोच रहे थे कि भाई वो वाली गाड़ी ना अपने पास होती तो हम लोग उसको अपनी पर्सनल कार बना कर रखते। तो भाई साहब हमारा आइडिया जो है ना भाई इस बंदे के दिमाग में आ चुका है, और उसके माइंड में भी एक आइडिया है कि ये वाली जो ब्लू कलर की कार दिख रही ना भाई, ये कार ना वो बंदा चाहता है कि यार उसकी भी पर्सनल कार हो। तो गाइस अभी हम लोग सोच रहे कि यार इस गाड़ी को ना क्यों ना चुरा के हम लोग अपनी पर्सनल कार बनाए, क्योंकि अगर हम लोग ऐसी कार बनाने के लिए जाएंगे ना तो भाई अपने लिटरली करोड़ों के करोड़ों रुपए लग जाएंगे और शायद अपना कार भी चला जाएगा। सो अपने पास इससे बेटर आइडिया है कि इस कार को ना यहाँ से चुरा ले हम लोग भाई, इस कार को अपने लिटरली शोरूम में भी रखेंगे ना तो भाई साहब करोड़ों की कीमत में बिकेगी, और ऐसी गाड़ी ना हम लोग आराम से फिर से ले पाएंगे, वो भी नई की नई। पर फिलहाल अभी वो बंदा ना इस गाड़ी के बारे में सोच रहा है और हम लोग इस गाड़ी के बारे में। सो फिलहाल अभी तो सॉरी मैडम जी, बट फिलहाल अभी जो है ये बेटर टाइम नहीं है
इस गाड़ी को हम लोग यहाँ पे चुराए, क्योंकि भाई अभी दिन का टाइम है। तो भाई इसके गाड़ी लिटरली, अगर हम लोग इस गाड़ी को अगर छुएंगे बिना, अपने ऊपर लिटरली भाई गन तान के रख देंगे। हम लोग ट्राई करेंगे यार नाइट के टाइम में आके ना इन गाड़ियों को चुरा के यहाँ से लेके जाए। सो फिलहाल अभी पहले यहाँ से फटाफट से निकलते हैं और इस बंदे का ना कॉन्टैक्ट नंबर ले लेते हैं। सो चलो भाई अभी निकलते हैं यहाँ से। ऑलराइट गाइस, अभी इसको ना टाइम हम लोगों ने दे दिया है, तो वो टाइम पे ना वो बंदा इस मैंसन के बाहर आ जाएगा। सो फिलहाल चलो भाई यहाँ से फटाफट से निकलते, और अभी हमें जाना है मैच बैंक के अंदर एक जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। वैसे तो अपने पास भाई अपना खुद का शोरूम है, बट भाई हम लोग सोच रहे हैं यार कुछ साइड का बिजनेस भी कर लेंगे, जिससे हम लोग भाई साइड इनकम भी कर लेंगे। सो फिलहाल अभी जो है हम लोग को यहाँ से टैक्सी पकड़नी पड़ेगी, क्योंकि भाई अपने पास कोई गाड़ी तो है तो नहीं। चलो भाई यहाँ से पहले तो फटाफट से टैक्सी पकड़ के चाहते हैं मैच बैंक के। ऑलराइट गाइस, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं भाई मैच बैंक के नीचे। और भाई साहब हम लोगों को ना कोई टैक्सी मिली नहीं यार उस एरिया में, तो हम लोग भाई किसी की गाड़ी उठा के लेके आ चुके हैं। और फिलहाल अभी हम लोग मैच बैंक के नीचे ही आ चुके हैं। और एक सेकेंड, इस गाड़ी को मेरे ख्याल से यहाँ पे पार्क करना ठीक नहीं रहेगा। एक काम करते, इसको भाई यहाँ पे रख देते, क्योंकि यहाँ पे ना किसी को भी दिक्कत नहीं होने वाली। सो फिलहाल चलो भाई अभी चाहते हैं फटाफट से मैच बैंक के अंदर, और उस बंदे से बात करते हैं कि आखिरकार क्या क्या काम है। वैसे तो भाई ये बिजनेस जो है ना इसने न्यू स्टार्ट किया है, बट अभी काम ना हमें नहीं पता है कि इसके अंदर काम क्या करना है। बट इससे बात करेंगे ना तभी हमें पता चलेगा कि आखिरकार हमें काम क्या करना है। सो बाकी फिलहाल अभी हम लोग ऊपर आ चुके हैं। और एक सेकेंड, ये मेरे ख्याल से वो नहीं है, बट मेरे ख्याल से असिस्टेंट है, तो इनसे ही बात करते हैं पहले तो। ऑलराइट भाई लोग, अभी इनसे अपनी बात हो चुकी है, और ये जो ना मैच बैंक के ऑनर की असिस्टेंट है, तो अभी इनसे हमने बात कर लिया। और इनके जो मैनेजर है ना वो भी अंदर बैठे हुए हैं। तो एक सेकेंड, पहले तो ना हम लोग भाई ऑफिस देख लेते। तो भाई साहब ये देखो भाई, क्या ही तगड़ा ऑफिस है भाई मैच बैंक का। और एक सेकेंड भाई, ये क्या बवाल है। हो भाई यार, ये तो पूरा लॉस सैंटोस का मैप है भाई। ये देखो भाई, ये जो लाल लाल है ना भाई, मेरे ख्याल से भाई ये जो इनका पिन टॉप एरियाज है, मेरे ख्याल से यहाँ यहाँ पे ये लोग के ऑफिस है, या तो यहाँ यहाँ पे इनको काम करना है। बाकी यार ये जो है माउंट चिलियाड है। हाँ भाई, माउंट चिलियाड कभी कभी अपने माइंड से निकल जाता है कि इस माउंटेन का नाम क्या है। कभी कभी माउंट एवरेस्ट याद आ जाता है, या तो माउंट आबू याद आता है जो कि राजस्थान में। सो फिलहाल अभी जो है भाई यहाँ पे तो बहुत ही तगड़ा ऑफिस है। बट वेट ए सेकेंड भाई, ओनर किधर है भाई। ओ भाई साहब यार, कंप्यूटर के पीछे से छुप के बैठे, जैसे कि हाइड एंड सीक खेल रहे हो। बट फिलहाल चलो भाई अभी इनसे बात कर लेते कि आखिरकार अपने लायक कोई काम है कि नहीं, क्योंकि भाई वैसे ये न्यू ऑफिस खुला है ना, तो भाई यहाँ पे वैसे काम तो बहुत सारा होगा, बट भाई अगर अपने लायक कोई काम है ना तो बता दो। और इनसे थोड़ा डिस्कस भी कर लेते कि भाई हमें ऑफिस वर्क नहीं चाहिए, क्योंकि भाई ऑफिस वर्क में ना अपना माइंड है जो ना पूरा खराब होता है यार, हमें जो है कोई आउटडोर का काम चाहिए। सो फिलहाल चलो भाई इनसे बात कर लेते। ऑलराइट भाई लोग, अभी जो हमने इनसे बात कर ली है, और ये कह रहे कि अभी तो फिलहाल ऑफिस वर्क का ही काम है, बट आगे जाके ना 2-3 दिनों में ना एक बार का काम आएगा, जो कि भाई मैं आपको शायद दे पाऊंगा। सो फिलहाल हम लोगों ने इनको अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखवा दिया, और भाई जब भी वो काम आएगा ना तब वो हमें कॉन्टैक्ट कर लेंगे। और फिलहाल अभी जो इन्होंने एक बात और भी कही है कि आपको जो यहाँ पे क्वार्टर रखने के लिए दिया जाएगा, और वो क्वार्टर है ये वाला। यहाँ पे हम लोग सो भी सकते हैं, कभी कभार अगर काम में देरी हो गई ना तो रात के टाइम हम लोग यहाँ पे सो सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बट फिलहाल यहाँ पे अभी बाथरूम वगैरह है कि नहीं। ऑलराइट, यहाँ पे तो भाई बहुत ही बड़ा बाथरूम है यार, यहाँ पे हम लोग आराम से सो सकते हैं। सो फिलहाल चलो भाई यहाँ पे कपड़े वगैरह जो कि अपने नहीं है, जो कि बार मैनेजर करे जिनसे अभी हमने बात की, उन्हीं के कपड़े। और फिलहाल यहाँ पे अभी क्या है, वेट ए सेकेंड। ओ भाई साहब, यहाँ पे तो बाथरूम भी बहुत ही तगड़ा वाला है, बट वेट ए सेकेंड अभी बाहर जाके देखते। सो फिलहाल अभी भाई हमें लगता है कि हमें जो पहले तो घर जाना पड़ेगा, क्योंकि भाई हम लोग सोच रहे हैं कि अपने कपड़े वगैरह ना थोड़ा बड़ा चेंज कर लेते, क्योंकि भाई यार अगर हम लोग ऐसे ही कपड़ों में जाएंगे ना तो उन लोगों ने हमें पहले भी देखा हो यार, अगर उनके पास कोई कैमरा मेंशन में लगे होंगे यार, कैमरा तो लगे होंगे, इतना बड़ा मेंशन है तो कैमरा वेमेरा लगे होंगे। तो भाई अगर उन लोगों ने पता लगा लिया कि भाई जो कार डिलीवर करने आया था वही बंदा जो है कार चोरी करके ले गया, तो भाई बहुत ही पंगा हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से अभी हमें जो कोई कपड़े अलग से पहनने पड़ेंगे, जो कि भाई यार कोई भी तरह से
हमें पहचान में ना आए और पे मास्क वगैरह भी लगा के रखेंगे। बट फिलहाल वेट अ सेकेंड भाई, वो कार कहाँ पे गई जो कि हमने यहाँ पे पार करके रखी थी? मेरे ख्याल से भाई म्यूनसिपालिटी वाले आके भाई उस कार को टो करके लेके होंगे। तो फिलहाल एक सेकेंड भाई, मैडम जी अबे तेरी ऐसी किसी से रोक ले। बोल रहे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वैसे यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत सारी आती रहती है, तो हम लोग को कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चल उतर तेरी भैंस के, निकल इधर से। सो चलो भाई फटाफट से अपने घर के लिए निकलते हैं। और भाई कोई कर्पड़े पहन के आते जिसमें भाई वो लोग हमें पहचान ना पाए। सो फिलहाल अभी हम लोग आ चुके भाई ये टूटी फूटी कार लेके अपने घर के पास। और भाई ये गाड़ी को ना हम लोग एक सेकेंड घर के अंदर थोड़ी ऐसी खराब गाड़ी डालेंगे। एक सेकेंड इसको यहाँ पे पार्क कर देते भाई। ये कबाड़ गाड़ियों को ना बाहर ही रख देते, क्योंकि भाई इतना बड़ा मैंसन है, अपना विला है वैसे तो भाई ऐसे कार में भाई ऐसी कबाड़ गाड़ियाँ थोड़ी ना अच्छी लगती है, क्योंकि भाई अपने पास इतनी महंगी महंगी गाड़ी है, क्वाड्रा है, फरारी है। तो भाई चलो भाई अभी सारी बातें रखते हैं साइड में। और भाई हम लोग आ गए घर भाई, पता है। सो फिलहाल चलो भाई फटाफट से भाई थोड़ा प्रेस हो जाते। और एक सेकेंड भाई हम लोगों ने बहुत टाइम हो गया यार, कुछ कड़वा नहीं पिया यार, करेले का जूस वगैरह तो मेरे ख्याल से भाई हमने शायद से भाई रखा ही होगा। ऑल राइट यहीं पे पड़ा हुआ है भाई, वो हमेशा तैयारी रखते हैं अपने लिए जूस वगैरह, ताकि भाई हम लोग जैसे ही है ना सीधा खटखटा के पी जाए। तो ऑल राइट बहुत ही खट्टा लगा भाई साहब। चलो भाई अभी फटाफट से नहा धो के फ्रेश हो गए, जाते जल्दी से रॉबरी करने के लिए, तब तक तो मेरे ख्याल से शाम हो जाएगी। तो चलो बाकी सो लेट्स गो भाई लोग, अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं और हम लोगों ने मास्क वगैरह भी पहन लिया, क्योंकि भाई अगर हम लोग मैंसन के अंदर जाए ना तो कोई हमें पहचान ना पाए, क्योंकि यार अगर हम लोग मैंसन के अंदर जाएंगे ना तो शायद कैमरा वगैरह में हमारा चेहरा आ गया ना तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। सो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना भाई फेस मास्क पहन ले, और थोड़े कपड़े भी इस टाइप के पहन लिए ना कि अपनी बॉडी जो है ना वो दिखे ना यार, कि अगर अपनी बॉडी दिख जाएगी ना, अगर भाई शेप उसका बन जाएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इसी वजह से हम लोगों ने भाई जैकेट इतनी तगड़ी पहनी ना कि गर्मी तो हो रही थोड़ी बहुत, बट भाई कुछ पानी के लिए कुछ खाना तो पड़ता ही यार, तो गर्मी क्या चीज है। सो बाकी अभी हम लोग अपनी क्वाड्रा कार ले जा रहे हैं, क्योंकि भाई अपनी फरारी तो ना अभी कहाँ पे शायद शोरूम पे पड़ी हुई है, तो भाई हमें वहां पे जाने में बड़ी दिक्कत होगी। तो इसी वजह से हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना भाई अपनी क्वाड्रा, बट वेट अ सेकंड इसकी हेडलाइट वगैरह की स्टार्ट नहीं हो रही है। ओके भाई साहब, ये अभी अपनी गाड़ी की हेडलाइट स्टार्ट हो गई है। तो चलो भाई अभी मेरे ख्याल से ना वो बंदा भी बाहर ही वेट कर रहा होगा अपना, जिसके साथ हमने डील की थी कि भाई रात के टाइम हम लोग वो कार चोरी करके, भाई उस बंदे को भी लिटरली कार पसंद आ गई थी। मेरे ख्याल से वो बंदा भी ना भाई ऐसे ही पार्टी में आया था, वैसे वो मेंशन के अंदर जो पार्टी थी ना वो सभी बंदों के लिए फ्री थी, इसी वजह से वो बंदा अंदर आया था, वरना भाई इतने सिक्योरिटी के होने के बावजूद भी वो बंदा अंदर कैसे आ पाता। बट अभी फिलहाल वो सब कुछ हमें नहीं देखना है, हमें देखना है कि अभी हम लोग भाई जा रहे मेंशन के अंदर और वो भी चोरी छुपे। बट यार अभी मेन दिक्कत वाली बात क्या है पता है, कि जिसके साथ हमने डील किया ना वो बंदा अंदर जाके कुछ गलती ना करे ना तो ही अच्छा है, क्योंकि भाई अगर वो गलती करेगा ना तो भाई बिग माफिया के गार्ड इतने तगड़े हैं कि भाई गन निकालने में जरा भी झिझक नहीं करेंगे, वो सीधा गन तान के रख देंगे। और भाई नाइट का टाइम है, वो कहाँ पे दफना देंगे ना हमको पता भी नहीं चलेगा। बट फिलहाल देखेंगे यार, अपने पास वैसे गन वगैरह तो है, अगर भाई जरूरत पड़ी ना तो उसका इस्तेमाल भी हम लोग करेंगे। बट फिलहाल चलो भाई वहाँ पे जाके देखते हैं, और हमें ये भी पता करना है कि आखिरकार हम लोग मेंशन के अंदर जाएंगे कैसे, क्योंकि भाई हमें पता ही नहीं यार कि हम लोग अंदर कैसे जाएंगे, क्योंकि अगर हम लोग मेन रास्ते से जाएंगे ना तो भाई उसके गार्ड वहाँ पे खड़े ही होंगे, तो हमें देखना पड़ेगा कि यार कोई अच्छा रास्ता होगा कि हम लोग छुप छाप के जा सकते हैं। तो चलो भाई वहाँ पे फटाफट से जाके देखते हैं कि आखिरकार क्या माजरा है। सो लेट्स गो गाइस, अभी हम लोग मेंशन के पास पहुंच चुके, और भाई अभी ना हम लोग रेड लाइट पे खड़े लिटरली, क्योंकि भाई हम लोगों ने सोचा, बट एक सेकंड भाई ग्रीन लाइट हो गई, हम लोग का ध्यान ही नहीं था। एक सेकंड निकलो भाई, वरना काम वगैरह बीच रास्ते में खड़ा रहना पड़ता। बट वेट ए सेकंड, अभी हम लोग मेंशन के पास पहुंच चुके, और भाई अभी हमें ढूंढना है उस बंदे को जो कि भाई मेरे ख्याल से वेट ए सेकंड उस खंभे के नीचे खड़ा है। ऑल राइट ये रहा बंदा। बट एक सेकंड भाई, यहाँ पे बाहर जो मेंशन के बाहर एक बंदा खड़ा है, तो चलो भाई इससे अभी बात कर लेते पहले तो, क्योंकि भाई ये बंदा ना उस गाड़ी को चुराने के लिए आया जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ब्लू कलर की गाड़ी थी मेरे ख्याल से, वो लैम्बोर्गिनी की थी या तो भाई मेरे ख्याल से वो कुछ गाड़ी का नाम था यार, मुझे पता नहीं है। बट भाई ये बंदा उस गाड़ी को चुराने के लिए आया, तो भाई अभी हमारा दोनों का ध्यान जो है गाड़ियों के ऊपर है। बट भाई वेट अ सेकेंड,
ये बंदा तो मास्क पहन के नहीं आया है। और भाई अगर इसके पास मास्क नहीं तो हम लोग इसे अंदर नहीं ले जा सकते, क्योंकि भाई अगर हम लोग इसके अंदर ले गए और भाई बाय चांस अगर कोई कैमरे में आ गया तो भाई ये पकड़ा जाएगा, और बाद में अगर इंट्रोगेशन के दौरान इसने अपना नाम ले लिया ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बट वो एक सेकेंड भाई, यहाँ पे ना अभी रोड के ऊपर बहुत सारी चहल पहल हो रही है, तो एक काम करते पहले तो ना इसको थोड़े काम होने देते, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना मिशन। तब तक जो इस बंदे से बात कर लेते हैं, तब तक आप लोग जो वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो। सब फिलहाल चलो भाई इस बंदे से बात करते हैं। सब फिलहाल गाइस अभी हमने इस बंदे से बात कर लिया और भाई इसके पास कोई भी मास्क वगैरह नहीं है, तो हम लोगों ने कहा कि भाई तुम ना थोड़े टाइम के लिए अपने पीछे पीछे आना, अगर भाई बाय चांस कहीं पे ज्यादा गार्ड दिख जाए ना तो तुम वहीं पे रुक जाना, और बदले में हमें जो भाई 20% के हिसाब से हमें दे देना का जो भी उस गाड़ी की कीमत होती है। सो फिलहाल ये बंदा कह रहा है कि ठीक है तुम मेरे लिए उन सारे गार्ड्स को मारना और मेरी गाड़ी को बाहर लेके आना, तो मैं तुम्हें 20% के हिसाब से दूंगा। बट अभी जो यहाँ पे एक घंटे के बाद फाइनली जो है पूरे का पूरा रोड सफा चट हो गया यार, बहुत ही शांति हो चुकी है। और अभी अपने दिमाग में ना एक खुराफाती आइडिया है, हम लोग क्या करते हैं कि ये फायरवर्क्स ना पहले हवा में फोड़ते, बाद में मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि आखिर मैंने किया क्या है। सो वेट अ सेकेंड, ऑल राइट, और ये दूसरा बारी, और ये तीसरा बारी, ऑल राइट, चौथा, ऑल राइट। तो अभी जो मेरे ख्याल से बहुत सारे हम लोगों ने पटाखे फोड़ लिए, तो अभी मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने क्या किया कि भाई हम लोगों ने फायर वर्क से जो हवा में फोड़ा, बाई चांस अंदर जो है भाई कोई भी तरह के भाई गन की आवाज़ आती है ना तो भाई अंदर के गार्ड्स को लगेगा कि भाई पटाखे बाहर फूट रहे हैं। तो मेरे ख्याल से भाई ये एक अच्छा आइडिया है इन गार्ड्स के माइंड को ट्रेन करने के लिए। बाकी फिलहाल चलो भाई, मेरे ख्याल से ना एक गार्ड जो है अभी बाहर ही खड़ा हुआ है, तो वेट अ सेकेंड, उसको जो पहले तो अपनी सप्रेसर वाली गन से ना एक पट से हेडशॉट देते, तेरी भैंस की निकल इधर से। बट एक सेकेंड भाई, ये बंदा किधर गया, यहाँ पे की तो खड़ा, ऑल राइट, वो पेड़ के पीछे रहा। भाई इससे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई ये तो छुप छुप के आ रहा है, भाई क्या कर रहा है यार, तो अपने पीछे पीछे पास इतना कर। ऑल राइट भाई, ये तो यहीं पे खड़ा रह गया था कि भाई इसको लग रहा था कि मैं अभी से इसकी गाड़ी जो है भाई बाहर लेके आऊँगा, बट भाई इसको पहले अंदर तक तो आना पड़ेगा ना, तो अभी हमें अंदर जाना है। सो हम लोग भाई ये बड़े वाले गेट से तो अंदर जा नहीं सकते, क्योंकि भाई ये लॉक्ड ही होगा, मुझे पता है, अगर भाई हम यहाँ से शायद गए ना तो अलार्म वगैरह भी बज सकता है, और मेरे ख्याल से ये छोटा वाला गेट भी लॉक्ड ही होगा, तो भाई हमारे पास एक और ही रास्ता है कि हम लोग यहाँ से चढ़ के जाए, बट हमें बिल्कुल ही आराम से जाना पड़ेगा। और भाई ये बंदा अभी चढ़ पाएगा, फैंस के हाँ भाई साहब, इस बंदे ने तो भाई अपना पूरा स्कैम ही खोल डाला भाई, ये दरवाजा लॉक्ड ही नहीं था, हम लोगों ने सोचा कि भाई यहाँ से हम लोग आएंगे तो अलार्म वगैरह शायद बच सकता है और शायद लॉक भी हो सकता है ये डोर, पर भाई इस बंदे ने तो अपना पूरा स्कैम ही कर दिया। पर ठीक है यार, चलो भाई अपने लिए आसानी होगी, भाई अगर कोई गार्ड अपने पीछे पड़ जाएगा तो हम लोग आसानी से भाग सकते हैं दीवार पे चढ़े बगैर। सो फिलहाल वेट अ सेकेंड भाई, यहाँ पे एक और गार्ड खड़ा हुआ है, तो इसकी भी ऐसी की तैसी करते हैं, निकल इधर से तेरी ऐसी की तैसी। ऑल राइट, तो अभी जो मेरे ख्याल से हम लोगों ने दो को तो निपटा दिया है, बट अभी हमें देखना है कि यार यहाँ पे आखिर कितने गार्ड्स है। तो अपने पास जो है ना भाई एक दूरबीन है जिसकी मदद से हम लोग सारे के सारे गार्ड को देख पाएंगे। सो ये रहा भाई थर्मल विजन, इसमें हम लोग सारे के सारे गार्ड को देख पा रहे हैं। और भाई साहब वेट अ सेकेंड, एक बंदा ये देखो भाई, एक बंदा यहीं पे खड़ा है, तो इसको तो पहले तो निपटाना ही पड़ेगा हमें। और बाकी वो बंदे का क्या हाल चाल है? ऑल राइट, बाकी बंदे तो बहुत ही दूर दूर है, तो मेरे ख्याल से भाई हमें इन सारे बंदों को निपटाना पड़ेगा, क्योंकि भाई अगर मेरे ख्याल से अगर हम लोग गाड़ी लेके जाएंगे तो भाई इन लोगों को पता नहीं चलना चाहिए, अगर पता चल गया ना तो भाई मैंसन के अंदर और भी गार्ड होंगे जो कि अपने पीछे पड़ेंगे लिटरली। तो अभी हमें जो बिल्कुल ही आराम से भाई यहाँ पे पड़ना पड़ेगा, क्योंकि भाई अगर कोई आवाज हो गई तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो चलो 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 धीरे 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 यहाँ पे छुप जाते। और भाई एक सेकेंड, यहाँ पे एक बंदा खड़ा है जिसकी ऐसी की तैसी भाई हम लोग ना, वेट अ सेकेंड, यहाँ पे दो बंदे खड़े, एक यहाँ पे खड़ा है और दूसरा वाला थोड़े आगे खड़ा है। एक सेकेंड, पहले ना हम लोग ट्राई करेंगे पहले वाले बंदे को ख़त्म करेंगे, उसके बाद अगर उसको पता चलेगा ना तो उसको भी ख़त्म करना पड़ेगा। सो चलो भाई एक सेकेंड, इसको ना पहले पीछे से ट्राई करते हैं। ऑलराइट, ये गया, वो भैंस की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, बच गए भाई, अपना आइडिया काम कर गया। अब जैसे बाहर हमने फायर वर्क छोड़ देना पटाखे, तो भाई मेरे ख्याल से इन सारे बंदों को ऐसा ही लग रहा है
कि भाई साहब बाहर पटाखे फूट रहे, तो भाई इस बंदे की गोली की आवाज़ से ना ये जरा से भी नहीं हिले, तो एक सेकंड पहले इसको तो निपटाना ही पड़ेगा। 1 2 3 फट निकल इधर से। ऑल राइट, ये गया भाई अभी बंदा। सो भी मेरे ख्याल से एक सेकंड पहले थर्मल विजन से देख लेते कि आखिर और बंदे कहाँ कहाँ पे। ऑल राइट, एक बंदा यहाँ पे और दूसरे बंदा तो यहाँ पे अभी हमें दिख रहा है, ये व्हाइट कलर की शर्ट पहने हुए खड़ा है, तो बाकी बंदे वहीं पे सारे के सारे। अभी हमें मेरे ख्याल से अभी हमें यहीं से आगे बढ़ना है, तो चलो भाई फटाफट से आगे बढ़ते और भाई इन सालों की ऐसी की तेजी कर। राइट, और निकल इधर से। ऑल राइट, आराम से। वैसे किसी को पता नहीं चल रहा है कि हम लोग किस तरह से सारे बंदों को मार रहे हैं, और भाई यहाँ पे फरारी वगैरह वैसी की वैसी पड़ी है जैसे सुबह पड़ी हुई थी पार्टी के दौरान। बट अभी हमें ये सारी गाड़ी तो भी नॉर्मल गाड़ियों की तरह है, हमें चुरानी पे वो वाली गाड़ी जो कि भाई बहुत ही लाइटिंग वगैरह की थी। और वेट ए सेकेंड, यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, इसको पहले निपटाना पड़ेगा। बट वेट ए सेकेंड, यहाँ पे और कोई तो नहीं खड़ा है ना। ऑल राइट, यहाँ पे एक और बंदा खड़ा है जिसको हमें बिल्कुल ही आराम से पहले तो ना इसको निपटाते। और 1 2 3 निकल इधर से। राइट, ये गया, तो भी और कोई बंदा बचा है। वेट ए सेकेंड गाइस, यहाँ पे देखो भाई एक ऊपर बंदा है जिसको हमें भाई निपटाना पड़ेगा। बट अगर भाई उसकी मुंडी नहीं दिख रही हमें, उसकी मुंडी दिख जाएगी ना तो भी बढ़िया रहेगा। ऑल राइट, उसकी मुंडी दिख चुकी है और निकल इधर से। गया भाई। बट वेट अ सेकेंड भाई, यहाँ पे तो ये बस अभी भी खड़ी हुई है। हाय साहब, बट एक सेकेंड, अपनी गाड़ी किधर गई? एक सेकेंड हो रही है अपनी गाड़ी दोनों के दोनों। भाई एक तो ये बंदे की गाड़ी है और दूसरी उस बंदे की गाड़ी। बट वेट अ सेकेंड भाई, पीछे चलो। भाई यहाँ पे हम लोगों ने भाई गाड़ी की खुशी में गार्ड्स को तो सारे भूल ही गए। एक सेकेंड भाई, इनको पहले निपटाना बहुत ही ज़रूरी है, वरना भाई इनको पता चल गया ना तो भाई बड़ी दिक्कत हो जाएगी। सो लेट्स गो। सो एक सेकेंड, निकल इधर से। सो मेरे ख्याल से यार अभी तो सारे के सारे गार्ड मेरे ख्याल से खत्म हो चुके, बट देखते हैं। वेट ए सेकेंड, अपने थर्मल विजन से नहीं भाई नहीं दिखी भाई, रास्ते में ही सारे के सारे गार्ड है। बट हम लोग काम करते हैं भाई, जो रास्ते से आए थे ना उसी रास्ते से निकलते हैं, क्योंकि भाई अगर हम लोग ये सारे के सारे गार्ड जो इनको ख़त्म करेंगे ना तो मेरे ख्याल से बहुत ही टाइम लग जाएगा, और इतने में मेरे ख्याल से भाई कोई तो हम लोग गलती कर ही बैठेंगे। सो एक काम करते यार, चलो भाई फटाफट से इन दोनों की दोनों गाड़ियों को लेकर यहाँ से जल्दी से निकलते हैं। ऑल राइट गाइस, ये देखो यार क्या ही तगड़ी कार है भाई, लाइटिंग से फुल। बट एक सेकंड भाई, अभी हम लोग इसके फीचर बाद में जाके देखते हैं, चलो भाई पहले इसके अंदर बैठते हैं। और मेरे ख्याल से वो बंदा तो उस गाड़ी में बैठ भी गया है। सो चलो गाइस, अभी यहाँ से भाई आराम से निकलते, क्योंकि भाई अगर हम लोग आवाज़ करके निकलेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो आराम से। बट एक सेकंड भाई, हमें लगता है कि यार पहले ना हमें हेडलाइट्स वगैरह ऑफ कर देनी चाहिए, क्योंकि भाई अगर उन बंदों को पता चल गया ना कि आखिरकार ये हेडलाइट आ कहाँ से रही है, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बाकी यार अभी ना पहले तो यहाँ से जल्दी से इंजन को ना बिल्कुल ही आराम से निकालते, क्योंकि यार एक्सेलरेशन पे हम लोग बिल्कुल ही आराम से जोर दे रहे, क्योंकि अगर ज़्यादा जोर देंगे तो ज़्यादा आवाज़ होगी इंजन की। सो फिलहाल अभी वो बंदा अपने पीछे आ रहा है, चल भाई बिल्कुल ही आराम से आने दे। भाई कोई भी तरह की आवाज़ नहीं करनी हमें। बाकी यार और गार्ड जो है यहाँ पे नहीं है, सारे के सारे गार्ड जो अभी पीछे और कुछ बहुत ही आगे। सो इसी वजह से हम लोग यहाँ से जो पीछे से फटाफट से निकल रहे। बट वेट ए सेकेंड भाई, इसको खोलने में बहुत ही दिक्कत आने वाली है। बट एक काम करते, अपने पास गन वगैरह है तो इसको जो पहले ना लॉक्ड, इसका लॉक कहाँ पे है वैसे, कहीं पे फिर मार देते मेरे ख्याल से। सो एक काम करते यार, यहाँ नीचे ना गोलियाँ बरसा देते ताकि मेरे ख्याल से ना तभी ये खुल जाएगा। ऑल राइट, ये देखो भाई खुल गया। चलो भाई। एक सेकेंड भाई यार, अभी फटाफट से यहाँ से निकलते हैं। और बाकी यहाँ से निकलने के बाद ये गाड़ी, एक सेकेंड भाई, हम लोग लिटरली अभी गाड़ी को ठोकने वाले थे। एक सेकेंड, इसको भाई आराम से आने दे। जल्दी निकल। वेट सेकेंड, इस गाड़ी को यहाँ पे पहले रख देते और अपनी क्वाड्रा को छुए भाई, वैसे कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, बट इसके सामने रख देते हैं। ऑल राइट, तो अभी यहाँ पे सेफली हमने यहाँ पे रख दिया। वैसे सुबह होगी ना तब सारी की सारी गाड़ी जो इसके आगे पीछे मेरे ख्याल से हो जाएगी, तो ये नॉर्मल गाड़ी की तरह यहाँ पे पड़ी रहेगी और किसी को भी शक नहीं होगा, और हम लोग तब तक भाई वो गाड़ी को लेके भी निकल गए होंगे। सो चलो भाई अभी फटाफट से यहाँ से निकलते, वरना भाई तो किसी ने हमें देख लिया ना तो दिक्कत हो जाएगी। सो चलो गाइस। ऑल राइट गाइस, अभी हम लोग सिटी से बहुत ही दूर आ चुके हैं। बट एक सेकेंड, इसको ना गाड़ी को हम तेरी फैंस की, भाई साहब ये किस तरह से गाड़ी चला रहा है भाई। एक सेकेंड भाई, पहले ना हमें इस गाड़ी को बिल्कुल ही सेफ जगह पे ले जाना पड़ेगा, जहाँ पे किसी की भी बंदे की भी नज़र ना पड़े। तो
ऑलराइट, ये जगह मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छे पार्ट। ये बंदा किस तरह से गाड़ी चला रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अबे तेरी ऐसे किधर से बाहर निकल, और अभी तू जो है भाई 30% देगा, ठीक है? अभी तू 30% देगा, ना कि 20%। चल निकाल। ऑलराइट गाइस, तो अभी जो हम लोगों ने इसके पास से इस कार की कीमत के 25% के हिसाब से ले लिया है, क्योंकि भाई इस बंदे ने ना एक तो अपनी गाड़ी ठोकी है, सो इसके हिसाब से भाई 5% ज़्यादा हमने लिए। हम तो 10% कह रहे थे, बट ये बंदा भाई कह रहा है कि 5% ही ज़्यादा लो। कोई बात नहीं भाई, वैसे भी इसकी गाड़ी भाई ये देखो, ये गाड़ी किस तरह से चला रहा है भाई, किसके कांच पूरे का पूरा तोड़ दिया, और भाई साहब आगे का जो थोड़ा बहुत डैमेज कर दिया, क्योंकि भाई ये गाड़ी ना इसकी कमाई हुई नहीं ना, इसीलिए ये बंदा इस गाड़ी को इस तरह से चला रहा है। बट भाई इससे हमें क्या यार, इसको पहले यहाँ से फटाफट से निकलने का बोलते थे, और उसके बाद हम लोग जाते अपने घर के लिए। ऑलराइट, तो अभी चलो भाई जाते अपने घर के लिए, और ये बंदा भी अभी निकल चुके हैं भाई साहब। ये देखो भाई किस तरह से ये बंदा गाड़ी चला रहा है, किस तरह से क्या किस गाड़ी की ना वो ऐसे की तैसी कर देगा। वेट सेकेंड भाई साहब, ये देखो भाई ये गाड़ी के ऐसे की तैसी कर देगा भाई। जब तक ये घर तक पहुंचेगा ना, इस गाड़ी की भाई ऐसे की तैसी हो चुकी है। भाई छोड़ो भाई, तो चलो भाई फटाफट से निकलते अपने घर के लिए। ऑलराइट गाइस, अभी सुबह हो चुकी है, और भाई अभी हम लोग घर पे भी पहुंच चुके हैं। बट एक सेकेंड भाई, बिल्कुल ही आराम से, क्योंकि हम नहीं चाहते कि भाई और ज़्यादा डैमेज हो इस गाड़ी में। बट भाई वेट सेकेंड भाई, इसका भाई क्या ही लाइटिंग वगैरह ना मुझे बहुत ही पसंद आई, और इसमें जो ये व्हील के अंदर न्यो लाइट फिट करी हुई है ना, जो कि हम लोग जब रेस देते हैं तभी ये कार की जो न्यो लाइट है वो बहुत ही स्पीड में भाई घूमते है। ये देखो अभी ना ये धीमे धीरे धीरे घूम रही है, बट जैसे हम लोग एक्सेलरेशन पे पैर रखेंगे, ये देखो भाई ये किस तरह से भाई छूट रही है भाई। ये देखो भाई यार, बहुत ही मस्त कार अभी अपने हाथ में चल गई। और हम लोग सोच रहे हैं कि इस कार की नंबर प्लेट वगैरह जो है थोड़ी बहुत चेंज करवा के इसका कलर भी चेंज करवा दे। ऑलराइट गाइस, अभी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो। और बाकी हम लोग सोच रहे हैं कि यार एक छोटा सा गिव अवे रखे, अगर आप लोग सपोर्ट करो तो भाई, तो यार प्लीज सपोर्ट करो, कॉमेंट में ना एक छोटा सा हार्ट टाइप कर दो, और जल्दी से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो अगर नहीं किया है तो, और डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो बात करने के लिए। सो बाकी अभी मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।